हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी विद सीमा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस लोहे के तवे को नॉनस्टिक बनाकर दिखाऊंगी और इस पर आटे के दो चिले भी बनाकर दिखाऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आप किसी भी लोहे के तवे को नॉनस्टिक बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस तवे को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और उसके बाद में इसे गैस पर चढ़ा दिया है और जो तवे पर पानी है वो बिल्कुल सूख चुका है। गैस की फ्लेम को हमें हाई पर ही रखना है और उसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालने वाले हैं। तो लगभग एक चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल मैंने डाल दिया है, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। और एक टिश्यू पेपर की सहायता से इस ऑयल को हमें पूरे तवे पर फैला देना है। थोड़ा सा ऑयल मैं इस पर अभी और डालूंगी। अच्छे से इसे फैला देंगे पूरे तवे पर। और अब हम इस तवे को अच्छा गर्म हो जाने तक वेट करेंगे। जब इस तवे पर धुआं निकलने लगेगा, तेल जलने लगेगा, तब हम अगला स्टेप करेंगे। तो ये देखिए, धुआं निकलने लगा है, ऑयल जलने लगा है। तो अब हम इस पर 2-3 ड्रॉप ऑयल एक बार फिर से डालेंगे और टिश्यू पेपर से एक बार फिर से हम रब करेंगे, अच्छे से पूरे पर फैला देंगे। लगभग 1 मिनट तक हमें टिश्यू पेपर से इसे रुक रुक कर इस तरह से फैलाना है इस ऑयल को। और तवा हमारा काफी गर्म है तो इस स्टेप को आप ध्यान से करिएगा, आप रुक रुक कर करिएगा। मैं भी रुक रुक कर ही कर रही हूँ। तो अच्छे से टिश्यू पेपर से हमें पूरा ऑयल तवे पर फैलाना है और गैस को अब हम कर देंगे बंद और तवे को बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे। तो तवा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, एक बार फिर से गैस को ऑन कर देंगे और इस पर थोड़ा सा ऑयल फिर से डालेंगे और इसे अच्छे से एक बार फिर से टिश्यू पेपर से पूरे तवे पर फैलाएंगे हम। और लगभग 1 मिनट के लिए एक बार फिर से हम इसे पूरे तवे पर फैलाते रहेंगे टिश्यू पेपर से और तवे को बिल्कुल अच्छा गर्म रखेंगे, तेज गर्म रखेंगे। इस तरह से हम फैला देंगे और तवा अब हमारा ऑलमोस्ट रेडी है चिला बनाने के लिए। तो इसके बाद में हम गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे और एक बार फिर से तवे को टिश्यू पेपर से हल्का हल्का पोंछ देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अब मैं आपको इस तवे पर चिला बनाकर दिखाऊंगी। गैस को बिल्कुल धीमा कर दिया है मैंने यहाँ पर ऑन करके, इसे बिल्कुल धीमा कर दिया है। और उसके बाद में अब चिले के बैटर को हम इस तवे पर डालेंगे। लगभग 2 चम्मच बैटर इस तवे पर डालेंगे, पूरे में फैला देंगे और एक लेयर पक जाने तक हम वेट करेंगे। तो नीचे की लेयर पक गई है, ये देखिए कितना आराम से ये बाहर निकल रहा है। और इस पर मैंने बिल्कुल भी ऑयल एक्स्ट्रा नहीं डाला है फ्रेंड्स, ये देखिए बिल्कुल आसानी से ये बाहर निकल कर आ गया है। तो मैं आपको एक और चिला बनाकर दिखाऊंगी बिना ऑयल डाले। आप इस प्रोसेस को करने के बाद 4-5 चीले आराम से बना सकते हैं बिना ऑयल के। ये देखिए ये भी बिल्कुल स्मूथली बाहर निकल रहा है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।